नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी अपने झड़ते हुए बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मौसम बदलने के साथ भी आपके बाल रोजाना बहुत ज्यादा झड़ते हैं, सोते समय चद्दर पर, कंघी करते समय कंघी पर, और वैसे भी आपके बिना कुछ करे ही बाल जब भी हालों में हाथ फेरते निकलते ही रह रहे हैं, जड़ों से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, बाल बिल्कुल बेजान समय से पहले सफेद हो चुके हैं, या फिर आपको रूसी की समस्या और दो मुहे की समस्या है, या आपके फिर बालों ने ग्रोथ करना बंद कर दिया है, इनमें से अगर आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं या ये सारी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आज का मेरा ये आसान सा रेमेडी जो आपके पैसे भी बचाएगा और आपके बालों की रक्षा भी करेगा। तो देखते हैं, इसके लिए हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, बस घर में आपके दो तीन चीजें अवेलेबल हैं आपके किचन में, और आप उनसे अपने बालों का इलाज कर सकते हैं, वो भी कोई दो से तीन दिन का इलाज नहीं बल्कि परमानेंट सोल्यूशन। तो चलिए जानते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाने में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बालों को घना, लंबा और काला करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बेजान हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, बिल्कुल आपके बाल ग्रोथ नहीं हो रहे, आपके सर में गंजापन आता जा रहा है, तो ये सारी समस्याओं को भी दूर करके आपके बालों को लंबा घना बनाता है मेथी दाना। तो मेथी दाने के आपने 4 चम्मच लेने हैं। कांच के बाउल में आपको रात भर के लिए उसको भिगो के रख देना है। सुबह आपने है और उन मेथी दानों का मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अब इस बाउल में आपने अपने दो इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं। दूसरा हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है प्याज। प्याज क्या करता है, आपके जहाँ से सर में गंजा बनाता जा रहा है वहाँ पे बाल उगाने की दम रखता है, उसका रामबाण नुस्खा है, आपके सर से डैंड्रफ की समस्या खत्म करता है, दो मुहे के बाल की समस्या खत्म करता है, आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब चाहे आप उनमें कंघी फेरें, चाहे आप सोया कितना भी खींच लें, लेकिन वो जल्दी से झड़ेंगे नहीं, जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो इसमें आपने एक लाल कलर का प्याज ले लेना है, बिल्कुल लाल, जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इस तरीके का प्याज ले लीजिए, क्योंकि दूसरा जो प्याज होता है वो थोड़ा सफेद होता है, उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, तो वो आपको प्याज इस्तेमाल नहीं करना। लाल प्याज को लेकर आपने छिल लेना है, छिलने के बाद धो लीजिए। धोने के बाद आप इसको कद्दूकस करके छन्नी की मदद से इसका जूस निकाल लीजिए। मेथी दाने का जो पेस्ट था उसमें आपने इस प्याज के रस को मिक्स कर लेना है। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है कैस्ट्रो ऑयल, आरंडी का तेल। ये आपको इजीली परचून की दुकान से मिल जाएगा। अब मैं इसमें आरंडी का तेल ऐड करने को क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये जो होता है आपके बालों को स्ट्रांग करता है। जो आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, या मौसम बदलने पर आपको लगता है बिल्कुल गंजे हो जाएंगे, आपका इतना हेयर फॉल होता है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से स्टॉप करता है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ में आपके बालों में नई जान लेकर आता है। तो आपको 2 चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें मिक्स करना है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने बालों में इस पेस्ट को लगा लेना है। या तो आप कॉटन की सहायता से लगा सकते हैं, या फिर अपनी उंगलियों की सहायता से अपने बालों की जड़ों में लगा लें, और कम से कम इसको 45 मिनट के लिए छोड़ दें, मैक्सिमम भी 45 मिनट, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। आप चाहें तो इसके ऊपर अपना कोई शावर कैप से अपने बालों को कवर कर सकते हैं और रबर लगा सकते हैं, जो भी आपके बालों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। 45 मिनट बाद अपने बालों में आप शैम्पू कर लीजिए, कंडीशनर कर लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में इस मास्क को 2 बार लगाना है। आप सुबह लगाएं या शाम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हफ्ते में 2 बार से इसको ज्यादा अप्लाई ना करें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 1 महीने में आपका कितना भी हेयर फॉल हो रहा होगा बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन 1 महीने का टाइम आपको देना होगा। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि ये रेमेडी बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी लगा सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं कि गर्ल्स ही लगाएं और बॉयज नहीं लगा सकते। तो किसी भी उम्र के बच्चे, और ज्यादा उम्र है अगर आपकी 15 साल हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपने बच्चे को लगा सकते हैं, और अगर आप 60 साल के हैं तो भी आप इस मास्क को लगा सकते हैं, अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। लगाने के बाद आपके बालों में क्या रिजल्ट रहा, मुझसे कमेंट के थ्रू शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।